हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक्सोरा प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये मेरा मिनिएचर एक्सोरा है और ये कितना खूबसूरत से ब्लूम कर रहा है। ये देखिए, यह मेरा बेबी पिंक वाला मिनिएचर एक्सोरा है। यह चार पेटल में छोटे छोटे फ्लावर करता है, बिल्कुल स्टार की तरह, और सारे छोटे छोटे फ्लावर्स मिलके एक बड़ा सा फ्लावर का बंच बनता है, जो कि देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, यह समर में फ्लावरिंग करने वाला एक पेरिनियल प्लांट है। आप इसे एक बार अपने गार्डन पे ऐड करो तो ये सालों साल आपके गार्डन पे यूं ही बने रहता है। इसका बर्ड्स यानी कि कली कुछ इस तरह के होते हैं और धीरे धीरे ये इस तरह से फ्लावरिंग करता है। काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है इसका फ्लावर्स, और अब जो है इसके फ्लावर्स ने मेरा पूरा पॉट भर दिया है। देखने के लिए बिल्कुल जो है गुलदस्ते की तरह लग रहा है, और मैंने इसे 9 इंच के क्ले पॉट पे लगा रखा है। मिनिएचर एक्सोरा के लिए 9 इंच का पॉट काफी होता है। एक्सोरा 3 तरह के होते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। एक होता है देसी एक्सोरा, जो कि ग्राउंड पर लगाने पर 8 से लेकर 10 फीट तक का हाइट जाता है और फ्लावर के साइज भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। दूसरा होता है पुणे वेराइटी का एक्सोरा, जिसका प्लांट और फ्लावर के साइज दोनों ही मीडियम साइज का होता है। और तीसरा ये मिनिएचर एक्सोरा। फ्रेंड्स, आपको मिनिएचर एक्सोरा में भी 2 वेराइटी का देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये दूसरे टाइप का मिनिएचर एक्सोरा है। इसके पत्ते को अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये वाला मिनिएचर एक्सोरा के पत्ते थोड़ा बड़े साइज का है, और ये दूसरे वाला मिनिएचर एक्सोरा का पत्ता देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी छोटे छोटे साइज के इसके पत्ते हैं। ये दूसरे वाला मिनिएचर एक्सोरा में मेरा अभी तक फ्लावरिंग इसने नहीं किया है। इसमें बर्ड्स तो आना शुरू हो गया है। ये देखिए, जब ये फ्लावरिंग करेगा तो इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चाहे आप कोई भी वेराइटी का एक्सोरा ले, उसके केयर टेक लगभग एक जैसा होता है। उसके सोयल में हमेशा नमी बनाए रखे। इस तरह से देखिए इसके सोयल में कितना मॉइस्चर है, तो इस तरह से सोयल में हमेशा मॉइस्चर बनाए रखे, पर ओवर वाटरिंग ना करें। कभी कभी कई लोग क्या करते हैं कि मॉइस्चर सोयल बनाने के चक्कर में ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो प्लांट डैमेज होने लगता है। तो सोयल में मॉइस्चर बनाने के लिए हमें कैसे सोयल मिक्सचर लेना होगा फ्रेंड्स, कि 1/3 गार्डन सोयल, 1/3 कोकोपीट और 1/3 कोई भी कंपोस्ट ले ले। और हाँ, 2 से लेकर 3 मुट्ठी तक राइस हस्क ऐड करना ना भूले, क्योंकि राइस हस्क ओवर वाटरिंग से बचाता है। ये सोयल को वेल ड्रेन और पोरस बनाए रखता है। और मेरे जैसे आप अगर आप एरिया में रहते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो राइस हस्क लेना तो बिल्कुल आपके लिए अनिवार्य बन जाता है फ्रेंड्स। अगर आप किसी ऐसे एरिया पर रहते हैं जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली रेनफॉल नहीं होती है, तो आप राइस हस्क को स्किप कर सकते हैं। कोकोपीट ऐड करना ना भूलें, क्योंकि ये सोयल में मॉइस्चर यानी कि नमी बनाए रखता है। गर्मियों के मौसम में हमें प्लांट को बार बार वाटरिंग करना ना पड़े, इसके लिए कोकोपीट ऐड करें। और ये तो मुझे बिल्कुल मिनिएचर ट्री जैसा लगता है। देखिए, हर जगह पर इसकी ब्रांचेस ही ब्रांचेस, और हर ब्रांचेस में फ्लावर ही फ्लावर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और फ्रेंड्स, अगर आपको कम हाइट में ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट चाहिए तो इसे ले लें, क्योंकि इसकी मैं हाइट अगर आपको दिखाऊं, इसके सबसे लंबा वाला ब्रांचेस को मेज़र करके दिखाऊं, तो ये 28 सेंटीमीटर का हो रहा है। ये देखिए, लाइट एंड लोकेशन की मैं बात करूं तो आप इसे 8 बजे से लेके 10-11 बजे तक की धूप दे सकते हैं। दोपहर के कड़ी धूप में इसे ना रखें, नहीं तो ये ठीक से फ्लावरिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इसे ग्रीन नेट लगा रखा है तो आप इसे दोपहर के धूप में भी इसे रख सकते हैं। सोयल में मॉइस्चर यानी कि नमी बनाए रखने के लिए इसे एवरीडे वाटरिंग करें। फर्टिलाइज़र की मैं बात करूं तो मैं तो इसे महीने में 2 महीने में एक बार ही लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पर देती हूं। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी टू केयर, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, तो इस समर आप इसे अपने गार्डन पर ज़रूर ऐड करें।